हेलो दोस्तों, वेलकम है आप लोगों का पूर्णिमा के चैनल में, पूर्णिमा की दुनिया में। और आज जो है हम बात करने जा रहे हैं, पथरी के ही टॉपिक पे बात करेंगे कि जो पथरी है वो बार बार क्यों बनती है, किस कारण बनती है और क्या इसमें उल्टी भी संभव है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि आप लोग को थोड़ा सा नॉलेज देना चाहूँगी कि ताकि आप लोग, मैंने भी बहुत इस चीज़ के बारे में देखा है, बहुत सर्च किया है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ शेयर करूँ इस चीज़ के लिए। क्योंकि आज के टाइम में ऐसा होता है ना कि बहुत लोग जो है ना पथरी से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं लोग, और ख़ासकर जेंट्स लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको पथरी हो रही है, बन रही है। तो मैं आप लोग को ये बताऊँगी कि क्यों बार बार पथरियाँ बनती है, अगर ख़त्म भी हो जाती है फिर भी बन जाती है, बार बार होती है, और मतलब क्यों, क्या बनने का कारण है, इसके बारे में आप लोग को बताऊंगी। तो सबसे पहले जो मैं कहना चाहूँगी कि जो गुर्दे में पथरी बनती है बार बार, उसका जो कारण होता है वो होता है कि जैसे हम अपना खान पीन जो होता है, जो हमारा खाने का सिस्टम होता है, हमारा खाने का तरीका होता है, जो हम खाते हैं, जो भी चीज़ें खाते हैं, उन्हीं की वजह से हमारे शरीर में पथरी वगैरह बनती है और वो बार बार बनती है। अगर सबसे पहला कारण तो ये भी होता है कि जब हमारा, हम पानी का सेवन ज़्यादा नहीं करते, तरीके से नहीं करते हैं और कम पीते हैं पानी को, बाथरूम को रोक लेते हैं, अपने रोक के रखते हैं, हमें यूरिन तो आ रहा है लेकिन हम बस बाथरूम करना जाना नहीं चाहते हैं, थोड़ा सा आलस कर जाते हैं कि नहीं अभी थोड़ी देर में कर लेंगे। अगर इस तरह भी करते हैं तो भी हमारी पथरी बनती है गुर्दे के अंदर, तो उसकी कारण ये होता है, जबकि हमारा जो किडनी है उसका काम जो होता है, गुर्दे का काम क्या होता है कि टॉक्सिन को बाहर निकालना, गंदगी को बाहर निकालने का काम होता है। अगर आप इस तरह करोगे, पानी नहीं पियोगे, सही से टाइम पे पानी नहीं पियोगे और यूरिन पास नहीं करोगे, यूरिन को रोक के रखोगे, तो सिंपल सी बात है आपको दिक्कत होगी होगी। तो सारी चीज़ें जो होती है ना, ये सब पथरी बनने के कारण होते हैं, जिसकी वजह से हमें पथरी बन जाती है। और अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करना, इससे भी पथरी बनती है। खाने में नमक लेना ज़्यादा और ज़्यादा मीठा लेना, ये सब पथरी के कारण होते हैं और इनकी वजह से पथरी बनती है। मैं ये नहीं कहती कि आप मत खाओ, नहीं खाने का कोई रीज़न नहीं है, खाओ लेकिन हर चीज़ लिमिट से खाओ। नमक का वैसे भी सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए, मतलब नमक इतना ही खाओ जितना टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि कोई कोई ऐसा होता है जिसको बहुत ज़्यादा नमक पसंद होता है, मतलब थोड़ा चटपटा ही खाना चाहता है। तो इस वजह से कहना चाहूँगी कि नमक का सेवन भी कम ही करना चाहिए, और चीज़ों के लिए भी हमें बहुत नुकसानदायक होता है। जैसे हम ज़्यादा नमक का सेवन करते हैं, हमारी हड्डियों के लिए भी बहुत नुकसानदायक होता है नमक, बीपी हाई हो जाता है ज़्यादा नमक खाने से, तो बहुत चीज़ें प्रॉब्लम होती है। तो इससे अच्छा हर चीज़ का संतुलन बना के हमें हर चीज़ को खाना चाहिए, ज़्यादा मतलब अनलिमिटेड कोई चीज़ ज़्यादा नहीं लेना चाहिए हमें अपने खाने पीने के अंदर। उसके बाद जितना भी हम एनिमल, हम नॉन वेजिटेरियन हैं और हम ज़्यादा एनिमल मीट को हम यूज़ करते हैं, उसके कारण भी पथरी बहुत बनती है। और एक बात और, जिसको पथरी होती है, अगर वो फिश का उपयोग ज़्यादा करता है, मछली का प्रयोग ज़्यादा करता है खाने में, उसे उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और दिक्कत होती है उसको खाने से, क्योंकि अगर हम मछली का उपयोग करते हैं तो उसकी वजह से पेट में हमारे पेन भी होता है, और अगर जिसकी पथरी है उसको पेन इतना ज़्यादा होगा कि वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगा। इसलिए कि जब भी आपको पथरी होती है, प्रोटीन का कम सेवन करिए, ज़्यादा सेवन मत करिए, थोड़ा मीट वगैरह, मांस वगैरह थोड़ा कम खाया करिए। ये भी बहुत बड़ा कारण होता है पथरी बनने का, इसलिए ये बार बार पथरियाँ बनती है क्योंकि हम अपना खाने का तरीका सही नहीं रखते हैं इस वजह से। और एक बात और बताना चाहूँगी, बहुत लोग ये सोचते होंगे कि जब हमारी पथरी होती है और इतना ज़्यादा पेन होता है, पेन होने के कारण हमारा जी भी मचलता है और उसमें क्या होता है ना, वोमिट होने का, उल्टी होने का पूरा ही चांस होता है, उल्टी होती ही है। तो इसलिए इसमें घबराना भी नहीं चाहिए कि बहुत लोग सोचते हैं अगर मुझे वोमिट हो रहा है कंटिन्यू तो हो सकता है कोई और भी कारण हो, तो ऐसा नहीं है। वोमिट होने के कारण, पथरी के कारण भी वोमिट होना बहुत मतलब सिंपल सी बात है कि वो तो होता ही होता है। तो कई बार जब ज़्यादा पेट में पेन होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा असहनीय हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारा जी मचलाता है और वोमिट हो जाती है। तो इसलिए इतना घबराने वाली बात नहीं है। मैं आपको आज छोटी छोटी टॉपिक बताऊंगी पथरी से रिलेटेड कि क्यों ये प्रॉब्लम होती है, कैसे होती है और क्या होता है। मैंने सोचा क्यों ना इसको आज आप लोग को सही तरीके से समझा दूँ। उससे पहले कहना चाहूँगी कि चैनल पे जो भी न्यू आते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब किया करिए, और अच्छे से सब्सक्राइब करने के बाद लाइक भी किया करिए, शेयर भी किया करिए, ताकि आपके दोस्तों फ्रेंडों को ये चीज़ की जानकारी मिल सके। बहुत लोग आजकल परेशान रहते हैं पथरी से, तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग औरों को भी शेयर किया करिए और सब्सक्राइब किया करिए, थोड़ा सा मुझे भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए, बस इतना ही चाहती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं और भी आप लोगों को बताती हूँ।
और पथरी बनने का कारण होता है कॉफ़ी का सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए, हमें कैल्शियम का सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अगर हम कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं उससे भी हमें नुकसानदायक होता है। और बहुत लोगों के दिमाग में क्या होता है ना कि सब लोग ये सोचते हैं कि हमारी छोटी पथरी है तो निकल जाएगी, जैसे कि 2 mm की, 3 mm की, 4 mm की, ऐसे मतलब निकल जाएगी। तो क्या होता है ना कि कई बार बड़ी बड़ी पथरियाँ भी हो जाती हैं, जैसे 22 mm की हो जाती है, 20 mm की हो जाती है, 17-18 mm की हो जाती है। तो जब ये प्रोपोजिशन आ जाती है पथरी की, कई बार होता है किसी का नहीं निकलता है और थोड़ा टाइम लगता है, तो कई बार ऐसा होता है कि सब सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बाथरूम की नली में आपके पथरी है और उसके वजह से मतलब हमें दिक्कत हो। तो ऐसा भी होता है कई बार, दवाइयाँ क्या होता है ना कि सबका, मैंने पहले भी बताया था आपको कि सबकी बॉडी अलग अलग वर्क करती है, एक जैसा किसी की भी बॉडी वर्क नहीं करती है। इसीलिए जो मैंने आपको होम रेमेडी बताया था ना देसी, उसमें क्या होता है ना किसी किसी का तो जल्दी निकल जाता है, किसी का टाइम लगता है, लेकिन ये होता है कि किसी किसी का ऐसा भी होता है कि पथरी जैसे कट के गल के ऐसे भी निकलती है, कट कट जाती है, छोटी छोटी कटती है। तो कटने के बाद जब वो पथरी कटती है कहीं भी हमें पेन स्टार्ट हो जाता है, तो इसके लिए हमें पता है क्या करना होता है कि हमें सबसे पहले अपना जो पानी पीने का तरीका है वो एकदम टाइमिंग हमें ना एकदम परफेक्ट रखना है कि हमें पानी पीना ही पीना है। और पानी को जैसे बहुत लोग होते हैं ना कि पानी पीना नहीं चाहते हैं, खाना खा लिया पी लिया, एक गिलास पी लिया, ठीक है पूरे दिन ऐसे पड़े रहे, इस कारण भी पथरी बहुत ज़्यादा बनती है। इसलिए अपने शरीर को जितना भी आप अपने अंदर मतलब टॉक्सिन को बाहर निकालने की जो भी क्रिया है वो करते रहेंगे, जैसे पानी का सेवन सही से करते रहेंगे, तो आपकी जितनी भी गंदगी है शरीर से वो निकलती रहेगी ना, आपको पथरी कभी नहीं बन सकती। अगर आपको ये काम आप नहीं करते हैं, टाइम से पानी नहीं पीते हैं, ये पानी का सेवन ज़्यादा नहीं करते हैं, तो भी आपको पथरी बार बार बनेगी, चाहे आप कितना भी उसको निकाल दें या ऑपरेशन करवा दें, दवाई के द्वारा निकलवा दें या कोई मेडिसिन ऐसे ही होम रेमेडी। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में एक बार पथरी रिमूव हो गई है और दोबारा ना बने, तो उसके लिए जो अपना आपका डाइट है, खाने पीने का जो जो भी चीज़ें हैं खाने पीने की, और आपके पानी के बारे में जो भी मैंने बताया, इन चीज़ों में आप अपने सुधार करिए और उन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखिए जिस वजह से आपको दिक्कत होती है, तो मैं गारंटी लेती हूँ आपको दोबारा कभी पथरी बन नहीं सकती है। और जो भी है, अगर आप सही से सेवन करते हैं दवाई से, तो आप आराम से पथरी निकल जाएगा, कट कट के निकलेगा। लेकिन अगर पानी का सेवन ज़्यादा करते हैं, अगर कई बार ऐसा होता है ना, बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि मैडम हमारी जो पथरी है वो नली में है वो निकल सकती है या नहीं निकल सकती है, तो मैं ये बता दूँ कि नली की पथरी भी आराम से निकल जाती है। बस क्या होता है, जब हमारी नली में पथरी आती है और हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो हमें क्या होता है ना कि पानी का जो सेवन है वो हमें ज़्यादा कर देना चाहिए। ये नहीं कहती कि एक बार में ही पियो, पानी हमेशा सिप करके पीना चाहिए, घुट घुट में पानी पीना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर में आप पानी का सेवन करते रहो, अगर आप थोड़ी थोड़ी देर में पानी पियोगे तो आपका पूरा दिन का जो रूटीन है ना वो पानी का एकदम बढ़िया लेवल पर आ जाएगा, मतलब अच्छे से आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, बढ़िया से हो जाएगा। तो इसलिए आप इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पानी को आप थोड़ा थोड़ा करके पीजिए, लेकिन पीजिए, उपयोग में लाइए पानी को। और पानी जब आप पीना स्टार्ट करेंगे ना, आप खुद देखेंगे आपको इससे कितना ज़्यादा बेनिफिट होता है, आपके पेट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है ना अधिकतर तो ख़त्म हो जाती है, ये तो मैं आप लोग को बताऊँगी। और खाने पीने का भी अपना पूरा ध्यान रखिए, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है इसको ध्यान रखिएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं खानी होती है, ताकि आपके अंदर पथरी का ना हो। ज़्यादा हाई प्रोटीन ना खाएँ, ज़्यादा कैल्शियम ना खाएं, ज़्यादा कॉफ़ी का सेवन ना करें, कैल्शियम का उपयोग ना करें, प्रोटीन का उपयोग ना करें, और अपने सेहत का ध्यान रखें। इतना ही बताना चाहूँगी, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, आपकी पथरी आराम से रिमूव हो जाएगी और आप इस चीज़ से छुटकारा पा जाएंगे। तो चलिए इतनी बातें, जो भी चैनल पर न्यू आते हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।